यूपी विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक पारित होने के बाद अब योगी सरकार अपने ही नेताओं के सवालों में घिर गई है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सीएम योगी की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नजूल संपत्ति विधेयक क्यों लाया गया और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी को आगाह करते हुए कहा कि अगर नजूल विधेयक लागू हुआ तो पूरे यूपी में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिर नजूल की जमीन पर बने हैं, जिससे एक मंदिर नहीं बल्कि यूपी में हजारों मंदिर टूटेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मंशा से ये नजूल विधेयक लाया गया। यहां तक कि जहां तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर हैं, तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। अगर एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। इतना ही नहीं, बृजभूषण सिंह ने यह भी दावा किया कि गोंडा जिले की 70% आबादी नजूल की जमीन पर बसी है। उन्होंने कहा कि इस नए विधेयक के लागू होने से सिर्फ गोंडा ही नहीं आगरा और अयोध्या जिले के हजारों परिवार प्रभावित होंगे। बृजभूषण सिंह का कहना है कि नजूल विधेयक को बिना सोचे समझे लाया गया। इस विधेयक को लाने से पहले अच्छी तरह जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जैसे गोंडा शहर है, ये पूरा शहर 70% जो है नजूल पर बसा हुआ है। आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर है, तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, या उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग बसे हुए हैं। उनको ये सरकार को या जो लोग, ये बताया गया कि नजूल के भूमि को कुछ भूमाफिया, कुछ बड़े लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उससे उनकी मुक्ति कराई जाए। तो सांसद जिस तरीके से कराई जाए, उनको ये नहीं पता है कि जैसे प्रॉपर एक तरीका जो होता है, किसी सरकार ने उनको पट्टा दिया, बनवाने का परमिशन दिया, फिर कुछ लोग उस पर चल रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने पट्टे को बेच दिया, कुछ लोगों के फ्री होल्ड भी हो गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फ्री होल्ड भी हो गए हैं, तो और इसीलिए इस विधेयक का बड़े व्यापक तौर पर विरोध हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जनभावना को समझा और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब सेलेक्ट कमेटी में जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, उसमें रहते हैं, सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को सरकार ने पारित करा दिया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद से नजूल की जमीनों को लेकर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि नजूल की जमीनों को लेकर हाल ही में कई विवाद सामने आए हैं, जिसके चलते सरकार ये नया विधेयक लेकर आई है, जिसको लेकर अब बृजभूषण सिंह सीधे योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधेयक के लागू होने से पूरी यूपी में भूचाल आ जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।